बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रोज़न पराठा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने जो है मैदा लिया था। अब इसमें नमक डालेंगे और ये कस्टर्ड शुगर, चीनी जो घर की होती है सिंपल, उसको मैंने पीस लिया था। अब ब्रेड इम्प्रूवर डालेंगे और ये आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। नॉर्मल जो पानी होता है उसके साथ हम इसे गूंद लेंगे, बिल्कुल जो है ना जैसे घर का आटा गूंदते हैं वैसे। अब इसको एक ट्रे या किसी भी कटिंग बोर्ड पे निकालेंगे और जो है ना हाथों के साथ इस तरह ज़रूर आपने मसलना है और आपके फिर जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। आटे को हमने रेस्ट नहीं देनी, साथ ही पेड़े बना लेने हैं और इस तरह लंबाई में फैला लेंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। ऑयल भी लगा सकते हैं आप, और 3 उंगलियों पे जो है ना इसको लपेट कर इसका पेड़ा बनाएंगे ऐसे। ये देखें जी सारे पेड़े जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। अब हम हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और बेलन की मदद से बेल कर बटर पेपर रखेंगे नीचे, और जो है इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 6 मंथ तक। 6 माह जो है आप इसको फ्रिज में रख के इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले निकाल लें और फिर फ्राई कर लें। ये देखें जी सारे जो है ना वो रेडी हो गए हैं पराठे। अब जो है एक तो आपको फ्राई करके बताते हैं। Thank you.
इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दवाओं में याद रखना, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।